मार्च में सरसों की दैनिक आवक मंडियों में बढ़कर 12 लाख बोरी के आर पार निकल गई थी, मगर वर्तमान में ये घटते घटते 5 लाख बोरी के आसपास आ चुकी है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार देश भर में सरसों की पैदावार 115 लाख टन के आसपास ही है, लेकिन सरसों की कीमतें और बढ़ने की संभावना से किसानों ने इसका माल रोक लिया है। सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन अभी भी 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के करीब ही घूम रही है। माना जा रहा था कि नई फसल आने के साथ ही सरसों के भाव घट जाएंगे, मगर ऐसा उम्मीद के अनुरूप नहीं हुआ। जो उम्मीद थी उतने भाव नीचे नहीं आ सके, बल्कि आवक घटने के साथ साथ सरसों सीड बढ़ती ही गई। हालांकि यूक्रेन और रूस में जंग जारी रहने के कारण आयातित तेलों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहा, लेकिन पिछले दिनों स्टॉकिस्टों की मुनाफा वसूली के चलते विदेशी तेलों के भाव भी घटने शुरू हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।